अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा। वेलकम टू माय चैनल मदीहा व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं ईद स्पेशल चिकन कड़ाही बनाने जा रही हूँ, जो कि फटाफट और जल्दी से बनने वाली है। ना तो उसके लिए आपको कुछ प्रेशर कुकर गालने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया है, 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कटिंग कर लिया है, 8 मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं, इंडियन ग्रीन चिलीज हैं ये, और यहाँ पे मैंने 3 साइज के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कटिंग कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो सूखे धनिया का पाउडर है 2 चम्मच मीडियम साइज के, जिसे बेबी स्पून कहते हैं। अगर आप बड़ा चम्मच लेंगे तो 1 इनफ होगा। यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 बड़े चम्मच मैंने जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। अदरक जो है ना वो मैंने साबुत लिया है, क्योंकि मैं इसको कटिंग करके ऐड करूंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक लिया है, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसे ऐड कर सकते हैं दोबारा से। और 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने जीरा लिया है। आई होप कि जो मैं आज बनाने जा रही हूँ आप ईद पे जरूर ट्राई करेंगे, खाएंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में हम जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा ऑयल चला गया, इसको थोड़ा सा जो है वो गर्म करेंगे। ओके, अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। इसमें अब हम चिकन ऐड करने जा रहे हैं। इसको 5 से 10 मिनट थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, कवर से इसको ढक देंगे। ओके जी, 5 से 10 मिनट हमने इसको जो है वो ऑयल में फ्राई किया है, चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, सूखे धनिया का पाउडर, ये हमारे पास है नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, ग्रीन चिली पेस्ट और ये हमारे पास है लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। हमारा जो है वो चिकन गल चुका हुआ है और घी भी निकल गया हुआ है। अब हम इसमें जो है वो दही ऐड कर देंगे। ये चला गया दही, इसको मिक्स करेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए इसको ढक देंगे ताकि दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका हुआ है, इसका कलर भी निकल आया है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी टमाटो पेस्ट। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप साबुत टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये चलेगी टमाटो पेस्ट, मिक्स कर देंगे अच्छे से। ओके, अच्छे से अब इस मसाले को भूनना है आपने, और लास्ट पे हम अपना सब कुछ ऐड करेंगे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। यम्मी सी रेसिपी है, कम से कम 20 मिनट में रेडी हो जाने वाली है। ईद पर बनाइएगा जरूर,
आने वाले मेहमानों को भी खिलाइएगा। चलिए तब तक वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से हो चुका हुआ है। अब हम इसमें अपना जो है वो प्याज ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम अपने जो है वो सब कुछ टमाटर वगैरह ऐड कर देंगे। ये चले गए, अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको ना हम पकाएंगे। ये हमारी खड़े मसाले वाली चिकन कढ़ाई है। तेज आंच पे ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारी चटपट चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। 15 से 20 मिनट में बनने वाली डिश है। ईद आ रही है, ईद पर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी की ज़रूर किया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।